चोट वगैरह काफ़ी सारे जी लाग रही। तो कह रहे भी थी सेवल लैन देन ने नहीं रोन वाली इन कहीं नहीं गल कोई नहीं अल्लाह खैर करे सी दुआ कर कुछ भी नहीं होंगे। मैं इस करके तेन पहले दसू ही कोई नहीं सी मैं अगे चल के जेन दसागा काम तो सी जेना पहले ही जेना साहिवाल शहर जेना जा रहा से लेकिन उन्होंने जेना कॉल की पे इस तरह जेना काफ़ी सारी जी चोट लग गई है तो कोई मसला नहीं अल्लाह खैर करेगा रो ना दुआ करो अल्लाह पाक जेना करम करेगा। बेगम साहब जेना कर रहे हैं कपड़े इस्त्री इतने सही इस्त्री स्टैंड उधरों है ना इत ठीक उ सोफे ही सोहने लग रहे हैं सारे बहन भाई सुबह बखैर और जी गार्डन पानी आने सारे पहले जो कर लेने कमरे की जी सैटिंग कमरे सैटिंग इस तरह करनी जी क्योंकि जिम्मे कल चार परदे लैन दे उन्होंने दो जे होर कलर दिन दो जे होर कलर दिन लेकिन वह भी जेन अज उले दो परदे जेन वह भी बदलवाए आवेंगे बल्कि ना ही बदलवाए ना दूसरे दो परदे जेन और लै आवेंगे परले बारी के नाल जेन इको जे परदे जेन वह कर लवेंगे और बहुत ही प्यारे मैं जेन दिखा देव पहले दम चंबेली चंबेली के बूटे जेन माशाल्लाह और खुशबू वो पूरे जेन वेहड़े च खुशबू आ रही है चंबेली की इन्ने फुल जेन खिले खे माशाल्लाह और खुशबू इतनी प्यारी आ वो तन टिकर जो सारे वेट के अंदर जी ना मतलब घर के अंदर जी खुशबू चंबेली की जी ना आ रही है और बाकी दूसरे जो माशाल्लाह जो एतल कुर्सी उपरू जो गत्ते जी जो लाने वो भी ला लेंगे और परदे जो दो ला परले कमरे ला लवेंगे और बारे के नाल जो दो और ला आवेंगे। बेगम साहब जी साफ सफाई जी कर रहे हैं साफ करके रख देने क्योंकि जो ज्यादा कपड़े होंगे उस सिर्फ जो धोने आए मतलब इनके कपड़े धो लेने और परदे जो हाँ जी जी मैनू जी कल भी दो चार आई हैं भी जे पर बारी अगे जी लाए ने इन्ह के दोवें परदे ज दरवाजे अगे लाओ ये परदे जोत खूबसूरत ने नाइस ने ते जे पर आप फिर उ कमरे ला लवेंगे ऐले परदे जे परदे ने ध्यान नाल फिर दो ला लवेंगे या उन्होंने जो वापसी कर आवेंगे तो इन्हों लै लवेंगे क्योंकि हम शहर तो अज अगे पिछे जाना लाजमन जाना क्योंकि कल असी शहर गए थे दवाई बनवाण तो दवाई जी उन्होंने आख्या अर्जेंट नहीं बना देंगे क्योंकि देसी दवाई जी बनानी है किधर भिजवानी है तो इस करके जो उन्हें आख्या भी सुबह जो सैकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम जिस टाइम मर्जी आ जाओ तो दवाई जी तैयार होगी तुम जो लै जाओ हूँ मैं साहिवाल जाना अगे पिछे मैं कह रहा कि परदे जो या चेंज करा ली इन्होंने नवे तो पर काम महंगा हो जाए तो ना हटाते तजार और देना पैना नहीं शायद पैसे दे दे चलो लगे रमन जे आ गए ठीक है इन्हें नाल दो लै लवेंगे हाँ और वैसे ही इन्होंने परदे के उपर शाइनिंग बहुत प्यारी है और खास तौर मैं कमेंट ही आ रहे थे जो मतलब कि नाल ही लाई ना स्टील की लाई है बहुत ही वधिया काम किया दूसरे लोहे के उमड़ ना भी उन्हें तो रेंगे ही फसते रहते हैं हाँ जी हाँ और हाँ जी और है सारे बहन भाई परेशान ना हो नाल जेना एक दो बजे तिकर जेना परदे आ जाएंगे दरवाजे तलाक जाएंगे वो वाले परदे जेना परले कमरे क्योंकि मैं मिस्टेक ये हो गई है कि मैं थोड़ा जेना वहम की मुगलता लग गया से मतलब कि जेना मैं हाले जेने दो परदे लाए से इस कमरे कारण भी एक विंडो अगे आ जाएगा एक दरवाजे अगे और वह हाले दो परदे लाए से उतले कमरे कारण लेकिन जेना ना ये निकले ने छोटे ए जेना इंज कर खिलार के दे भी बारे में तो इधरों जेना तकरीबन कोई उन्ना गैप जेना वह बच जाता इस वजह तो वो फिर मैंने दो परदे जेने बारी अगे लाने पै गए दो ही परदे जेने दरवाजे अगे लाने पै गए नहीं तो मैं एक विंडो कण लैन का सी एक दरवाजे कण लैन का सी उतला ही एक विंडो कण एक दरवाजे कण बई दोवें कमरे हो जाएंगे लेकिन एक कमरे के अंदर चार परदे लग रहे हैं ए थोड़े व्डे होंगे ना परदे जी 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 हाँ जी अद्धे अद्धे फुट होर होंगे ना फुट का पर्दा मतलब कि साढ़े तीन फुट के पर्दे अपन डिगे ने पर्दे डींदे साढ़े चार फुट पांच फुट का पर्दा होंगे
फिर बारी गई पूरा आ गया, दरवाजे गए पूरा आ गया। जी जी ते लेकिन चलो कोई नहीं, हूँ अस सारे पहले जाना सोफे जान इधर कर लेवी और जी अकल कुर्सी माशा जो सैर तू नुकरा तू कल गत्ता जहाँ लाना सी वो भी कोई नहीं लाया। लेकिन इन्हें जाना अज इतने रस्सी बन गई ना इनकी डिंडिया ने छोटिया छोटी जंजीरिया कल जाना मेरे याद नहीं रहा वो जो माशा जंजीरिया जाना मैं वो भी लैनिया ने हूँ मैं रस्सिया ना जाना बैक साइड तू जो बनया सी वो जंजीरी डिंदी है चैन वो लैनी है और कितना सुकून माशा जाना मिलता है सुबह सुबह इन्हें देख के और सब तो ज्यादा सुकून मिलता है इन्हू पढ़ने लगे हाँ माशाला जिंदगी की सारे तो अच्छी शॉपिंग है अपनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ और हम सारे बैंड भी कमेंट ही करेंगे कि सोफे ऊपर जो टेबल नहीं रखना सी लेकिन मजबूरी आ रही तो रख रहे और इन वास्ते कपड़ा जो एक मीटर में भी लेना इस तरीके लैना मैं गर्द जान कपड़े मतलब क्या और उपर दुपट्टे वगैरह उन्होंने सफाई नहीं करनी क्योंकि गट्टा वगैरह उपर थोड़ा बहुत आ जाता मैं इस मीटर जो कपड़े तो नवे तो लै आवे मैं देख रहा पंखा ही ना सिरे च बजे वो एक मीटर नवे लै आवे तेरे सफाई जेन सोफे रख ले और हूं कमरा जाना कि प्यारा जाना लग रहा हां हां जी क्योंकि हां जी हां जी पैसे खर्ची रखने मैं पहले जोड़ जमा करके थोड़े बहुत दरवाजे शीशे दे पैसे दे दे भी पहले क्योंकि सारे जो मतलब कि जो पैसा पाँगा सी आ चीज लै ली आ चीज लै ली उन्होंने जो टाइम हूँ तकरीबन जो आया कुत्ता पंजा सत्तर दिन पहले मैं सोच रहा उन्होंने पैसे दे देने दे दे चलो ठीक है अच्छा ना दे वैसे उस सिवाने पंगे के कवर सीते स्टार देख लेंगे जी जी नुमान आ गया गुलाबन देना तले दूपर ही पानी छिड़कता उधर साइड वाले बूटे पानी इतो ही थोड़ा बहुत छिड़कता खड्डे से जेड़े ना कोई नहीं बर रहा चंबेली जेड़ी ना बख रही है माशाल्लाह और मैं भी जाना सारे गार्डन जाना पानी दे लव फिर जी साफ सफाई जी करने है। बेगम साहब जाना कर रहे ने कपड़े इस्त्री इत सही इस्त्री स्टैंड उधरों है ना इत ठीक उ सोफे ही सोने लग रहे ने इत इस्त्री स्टैंड भी ठीक है
अपने ने मैनू कोई नहीं पता भी है कपड़े अपने ने कवर वेखांगे ना सस्ते हुए तो ला लेंगे प्लस कर दे कवर भी किस चीज दे लेने ने कवर अपन अच्छा 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 ठीक ठीक जी मैं भी जाना सोच रहा सी कि इस जगह दी जानी कुछ लेवल कर ले लेकिन जाना हो जानी लेट मैं कहना सवेरे सवेरे जाना उधरों शहर चु जाना होया भी उस तो बाद आन के जाना इको बार ये सारा काम जाना कर लवांगे सही नहीं ठीक है क्योंकि इतने लेट काफी सारी हो जानी क्योंकि काम जाना काफी लंबा चौड़ा मैं ना एक बारी जाना सेकंड टाइम इस पे छां आ गई ना सारा क्लियर जाना अज सफाई का कर लवांगे हाँ एरे वगैरह जाना काट के ना सुबह नाल जाना इंशाल्लाह जाना आप काम शुरू कर लवांगे ठीक हो गया ना गार्डन में पानी दे दिता सारे नु लुकाउ सी लेकिन मैं अगे चल के दसांगा लेकिन मैं सोच रहा जाना हूं ही दस देव क्योंकि आप अगे जाना उ हस्पताल भी जाना परेशान जाना ना भी ते भाई तेरे ते जेड़ा आया सी फोन मतलब के क्योंकि बेगम साहब दे अबू जेड़ा है ना करदे ना स्कूल दे विच मुलाजमत दा जेड़ा ना काम मतलब कि जेड़ा माली वाला काम करते ने गार्डन दी वगैरह आई और अपरा लकड़ी दरख्तां दी कटाई वगैरह दे जेड़ा ना काम करते ने मतलब कि कह रखी सी सुबह सुबह जेड़ा ना मतलब कि उत्थे हुण होणी आया सी ड्यूटी ते आंदे लाए जेड़ा चढ़िया उपर दरख्त ते कुआड़ी मारी सू वड्डन लगा तो वज गई सू इत्थे पैर दे उपर तो काफ़ी सारा जन कह रहे कुआड़ी हुई जी बिच खुब गई तो चोट वगैरह काफ़ी सारे जन ला गए तो कह रहे भी थी सेवल लैन देन नहीं रोन वाली इन कहीं नहीं गल कोई नहीं अल्लाह खैर करे दुआ कर कुछ भी नहीं होंगे मैं इस करके तेन पहले दसू कोई नहीं मैं अगे चल के जन दसागा काम तो असं जाना पहले ही जाना साहिवाल शहर जाना जा रहा से लेकिन उन्होंने जी कॉल की पैसे इस तरह जाना काफ़ी सारी जी चोट लग गई है ते कोई मसला नहीं अल्लाह खैर करेगा रो ना दुआ करो अल्लाह पाक जेड़ा करम करेगा उधर भाई तेरे ने जेड़ काल की तू कह रहा भी असी जेड़ा गां शहर आ गया अस्पताल ते तुसी भी जेड़ा आ जाओ मैं कि चलो ठीक है जेड़ा असी अगे जेड़ा आ जाने टेंशन ना लो अल्लाह पाक जेड़ा खैर करेगा इंशाल्लाह आपां हुणे जेड़ा चलिए तां मैं कह रहा सी भी काम ही जेड़ा ना आण के क्योंकि पहले जेड़ा मैं बहाना बनाओ सी मैं काम जेड़ा ना आण कर लई मैं फिर भी जेड़ा गल दस देवी क्योंकि उत्थे जाके फिर आखांगे मैनू इन्हें दस्या ही नहीं आ रोवो ना इस तरह तोड़ना ही ना गल बननी कुछ भी नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होया कह रहे कोई नहीं चोट लगी है ते इंशाल्लाह जेड़ा ना अज दसी वाला विलाग भी जेड़ा ना कर रहे हैं इत्थे खत्म अल्लाह खैर करेगा हुण मैं की करिए लेकिन मैं सरकारी ड्यूटियां जेड़ी होंदियां जेड़ा फिर वो काम कमे नूं करना पैंदा क्योंकि सारी वो छंगाई वगैरह के शरीर से कोई अपना जेड़ा स्कूल दे अंदर जेड़े दे मतलब कि उन्होंने जेड़ा छंगाई का काम जेड़ा ना वो करना उन्हें तो उनकी वजह से जेड़ा उवें ही उन्हें मारी आ उस स्लिप हुई तो वजी उन्होंने पीली दे उपर तो उवें ही कुआड़ी जी ने बिच लग गई तो कोई नहीं अल्लाह पाक जेड़ा खैर करेगा सारे बहन भाई जेड़ा दुआ करे कि जल्दी जल्दी जी सेहत आवे उन्होंने अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देने जख्म तो जेड़ा हम वेखो कुछ टाइम जेड़ा लगेगा तो स्कूल जेड़ा ना दरखास्त मैं उन्होंने कल तो गल की भी स्कूल की चुन छुट्टियां वगैरह जो लै ली सर तो लेकिन कोई नहीं वो भी जाके अगर जो मसला जाके हल करा स्कूल में ही जावे ना हूँ आँधी को महीने की तकरीबन जी छुट्टियां लवेंगे हूँ ठीक है ना तो रेस्ट करावे उधरों जेड़ा ना एक तो कम जिनकी वजह तो उनकी तबीयत नहीं सही होती कम इन्ना ज़्यादा करता है ना कला जेना क्योंकि घर के सारे अखराजात जितने खर्चे ने कला जेना ना उठाता तो मतलब कि जेना उधरों ने सवेरे फर्स्ट टाइम जेना निकल जाना ड्यूटी तो उधरों जेना दो तो ढाई बजे उन्हें घरें पहुँचना आंदे ला फिर समोसे पकौड़े की जी रेहड़ी ला लेनी रात के अठ बजे तिकर जाना फिर चौंक के उन्हें रेहड़ी लानी इन्ना कोई उन्होंने काम करता जिंद वजह तो उनकी सेहत ठीक नहीं हो रही है दिन रात जेना काम करता मतलब कि औलाद जिमें असं मतलब कि मेहनत करने कि किसी किस्म की कोई दुख तकलीफ औलाद में जी ना हो
ते कोई नहीं, अल्लाह पाक जी सेहत देवे, तंदुरुस्त देवे, क्योंकि माँ बाप नाल जीण, माँ बाप खुश होवे, माँ बाप तंदुरुस्त होवे, ते रोटी खाण कण भी दिल करदा और बंदा जीणा खुश भी रहिंदा। तिन्ह दुआवां नाल दिओ इजाजत, अल्लाह हाफिज़।